जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, यदि कल का वीडियो आपको ध्यान हो तो मैंने उसमें आप लोगों से ज्योतिषीय परामर्श के संदर्भ में एक बात आप लोगों के सामने रखी थी कि हमें किस समय पर ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता होती है और कब ज्योतिषीय परामर्श लेना हमारे लिए बेहतर होता है। आज के इस वीडियो में मैं उससे आगे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज आपको इस वीडियो में बताता हूं कि हम अपने बच्चों के लिए ज्योतिषीय परामर्श कब लें ताकि उन्हें उनके जीवन के अंदर बेहतर परिणाम मिल सके। दर्शकों, सबसे पहले हमें एक बात समझनी चाहिए कि हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में भी और ज्योतिष में भी जन्म के समय पर बालक का नामकरण संस्कार होने की एक प्रथा थी और ये प्रथा बनाई इसलिए गई थी ताकि उसी समय पर बालक के जन्म के साथ ही हमें ये पता चल सके कि इस बालक का भविष्य क्या रहने वाला है और ईश्वर ने इसे किस खूबी के साथ इस संसार में भेजा है। पहला परामर्श बालक के लिए तब होना चाहिए जब बालक का जन्म होता है और उसके पश्चात जब बालक 12 वर्ष का हो चुका होता है तब भी हमें उस बालक के संदर्भ में एक बार ज्योतिषीय परामर्श पुनः लेना चाहिए कि इस बालक का फ्यूचर किस क्षेत्र में है और इसकी पढ़ाई लिखाई जो हम आगे करेंगे वो किस दिशा में हो ताकि इसे एक बेहतर परिणाम इसके जीवन में मिल सके। और 12 वर्ष की आयु के पश्चात जब आप ज्योतिषीय परामर्श लेते हैं तब आपको ये बात पूरी तरह से समझ भी आएगी कि इस बालक को आगे चलकर कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस फील्ड में जाएगा तो इसे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, इसे व्यापार करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, इसे देश में ही रहकर नौकरी करनी चाहिए या इसे विदेश में जाकर के नौकरी करनी चाहिए, इसकी पढ़ाई देश में पूरी होगी या विदेश में जाकर के इसकी पढ़ाई पूरी करने के योग हैं, ये किस क्षेत्र में जाएगा और किस बुलंदियों को यह छुएगा, इन सब का भी आपको पता तब लगता है जब आप उस विशेष उम्र के साथ यानी 12 वर्ष की आयु के पश्चात जब बालक की कुंडली का अध्ययन करवाते हैं तो आपको ये निश्चित तौर पर पता चलता है कि मेरे बालक का भविष्य किस दिशा में है। बहुत बार ऐसा होता है जब हम अपने बच्चों को किसी बहुत बड़े कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं लेकिन उसकी कुंडली उसे किस समय पर ये सफलता दिलाएगी या ये सफलता भी उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी इसके संदर्भ में भी यदि हमें पूर्व आकलन हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को किसी एक दिशा की तरफ आगे बढ़ाते हैं और बहुत प्रयास करने के बाद भी वो काम फिर नहीं हो पाते हैं जो हम करना चाहते हैं और जब फिर बहुत समय निकलने के बाद हम जब कहीं जाते हैं तो पता लगता है कि इस बालक के भविष्य में या इस बालक की तकदीर के अंदर ये फील्ड लिखा ही नहीं है और हम मेहनत भी उसी दिशा में कर रहे हैं। ऐसे में यदि इस बालक को इस फील्ड में ना भेज करके हमने यदि इस फील्ड में भेजा होता तो ये बालक आज कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से सेटल होता। दर्शकों, 12 वर्ष की आयु के पश्चात फिर आपको बालक की कुंडली सिर्फ उसके विवाह के समय दिखाने की आवश्यकता पड़ती है कि इस बालक का विवाह किस समय पर और किस कुंडली के आधार पर होना चाहिए और कौन से लग्न की कुंडली इस बालक के लिए श्रेष्ठ रहेगी, उसका मिलान करते हुए बालक को आप आगे के जीवन के लिए उसके विवाह संस्कार के लिए एक मार्गदर्शन लेकर के उनके भविष्य की शुभकामना के लिए आप ये तैयारी कर सकते हैं। ऐसे में हमें अपने बच्चों की कुंडली 3 बार दिखाने की आवश्यकता होती है, एक जन्म के समय, एक जब वो 12 वर्ष का हो तब और एक उसके विवाह के समय। इसके अतिरिक्त उनकी कुंडलियां दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है और कब दिखाने की आवश्यकता है इसके संदर्भ में मैंने आपको एक वीडियो पहले ही बना के दिया है कि जीवन के अंदर व्यक्ति को अपनी कुंडली कब कब दिखानी चाहिए। दर्शकों, जैसे मेडिकल चेकअप हम अपने शरीर का करवाते हैं समय समय पर, उसी तरह से ज्योतिषीय परामर्श भी आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए अवश्य होना चाहिए और इसमें हमें किसी भी तरह की कोई संशय नहीं रखना चाहिए कि हमारा तो सब कुछ अभी सही चल रहा है तो हम ज्योतिषीय परामर्श क्यों लें, क्योंकि ज्योतिषीय परामर्श व्यक्ति विशेष के लिए समय समय पर उसके जीवन के अंदर उसे आगे बढ़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है।
उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।